अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का जो अपना बनाने का मकसद है वो ये है कि मेरा एक साल पहले एक दोस्त एक टेम सिल्वर फीजेंट का ट्रायो ले गया था। वो मेरे पास मेहमान आए थे, उन्होंने बोला कि हमें जी आपका ट्रायो लाइक है जी, ये हमें दे दें। तो मैंने उनको दे दिया था बग़ैर कोई दूसरा सवाल किए। तो सो वो ट्राई है, वो मुझे वापस कर रहे हैं, वो मेरे पास वापस आ रहे हैं। उन्होंने ब्रीड वगैरह बहुत अच्छी ली है उसे माशाल्लाह सीज़न में। मेरा टेम ट्रायो है, वो ऐसे ही यहाँ पे खुला फिरता था। जो पीछे आपको केज नज़र आ रहा है ये उसी के लिए ही मैंने तैयार करवाया। ये 6x6 का शेड है। तो जैसे ही माशाल्लाह वो ट्रायो पहुँचता, उन्होंने वहाँ से लगवा दिया हुआ है, लाहौर से आ रहा है जी गाड़ी में। जैसे ही पहुँचता है तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि जब आपका कोई बहुत ही टेम और प्यारा बर्ड आपसे दूर हो जाता है, ठीक है, और जब वो वापिस आपके पास आता है तो आपको बहुत ही खुशी होती है। मेरा वो माशाल्लाह बहुत ही फेवरेट और अग्रेसिव मेल है। फीमेल भी फ्लाइंग टेम है, मेल भी फ्लाइंग टेम है, नॉट जस्ट टेम, वो फ्लाइंग टेम है। वो इस घर में छत पर खुले फिरते हैं, ठीक है। एक साल से खैर उन्होंने अब घर को नहीं देखा, उनका घर चेंज हो चुका था क्योंकि अब वापस आ रहे हैं। तो सो आपको दिखाऊंगा जनाब उनकी क्या मूवमेंट है, अब कितनी देर में वो अगेन घर को याद कर लेंगे कि जी उनका ये पुराना घर है ये, ठीक है, और वो फ्री फ्लाइट टाइम यहाँ पे घूम सकते हैं कि अब नहीं घूम सकते, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। सो वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है और इनबॉक्स करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, ठीक है, उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। फ्रेंड्स, वो इतना अग्रेसिव मेल है, अगर आप डोर ओपन करते हैं शेड का तो आपको मारने के लिए बाहर रहता डोर तक, ठीक है। इनकी इतना टेम है इंसानों के साथ क्योंकि उस पर मेहनत हुई है, जाहिर सी बात है, बाकी अल्लाह का करम है सब। तो वो इतना माशाल्लाह टेम और फ्रेंडली है, वो मस्ती करता है आगे पास। वो मैं इंशाल्लाह आपको खुला छोड़ के भी दिखाऊंगा। वो यहाँ पे ओपन फिरता रहा। इस वीडियो में मैं उसकी जो बचपन की तस्वीरें हैं, जब उसकी एज तकरीबन 8 माह थी तब भी मैंने उसकी वीडियो क्लिप और कुछ पिक्स बनाई थी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में अटैच करके दिखाऊँगा। आप देखिएगा कि वह जब पट्ठा था तब भी वो कैसे इधर फिर रहा था। और जिसके साथ फीमेल्स हैं वो भी माशाल्लाह फ्लाइंग टेम है यहाँ पे, नॉट जस्ट टेम, नोट कर लीजिएगा बात को। वो पाकिस्तान का समझ ले फर्स्ट ट्रायो है जो फ्लाइंग टेम है, वरना जितने भी फीजेंट रखने वाले उनको अच्छी तरह से पता है फीजेंट इतनी जल्दी टेम नहीं होता, और ये तो फिर फ्लाइंग टेम है, उसके पर फुल है। वो यहाँ पर खुला फिरता है, चला भी जाता था दूसरों की छतों पर, वापस भी आ जाता था, ठीक है जी। वो आपको दिखाऊँगा, उसकी क्वालिटी देख के मुझे बताइएगा, ठीक है, कैसी है और कैसे माशाल्लाह वो अग्रेसिव है। माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये है जनाब इसकी समझ एडल्ट एज की वीडियो। ये तब पट्ठा था, साथ इसका भाई है। ये जो है ये मैंने सेल कर दिया हुआ था, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पट्ठे, और नीचे आपको रिंगनेक की फीमेल्स भी फिरती नज़र आ रही होंगी। सारे बर्ड्स मेरे फ्लाइंग टेम थे, ठीक है जी। ये मैंने पट्ठे वगैरह बाकी सेल कर दिए थे, यहाँ पे ये उड़ के चले जाते थे सीधा। अभी भी आप देख रहे हैं दीवारों पे घूम रहे हैं, पर फुल लेन के। और ये जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ, यही पेड़ है जो वापस आ रहा है। ले फ्रेंड्स, इंतज़ार ख़त्म हुआ जनाब, ये पेड़ माशाल्लाह वापस आ गया हुआ जी। ये देखें, ये वही पेड़ है जो आप अभी ये इसके पहले क्लिप में देख रहे थे, जो सीढ़ी के ऊपर फिर रहा था, दीवार के ऊपर फिर रहा था उस वीडियो में। ये इसकी एज तकरीबन 8 से 9 मंथ थी। अब ये माशाल्लाह 2.5 साल का मेल और फीमेल हो चुके हैं। 2.5 साल का हो गया जनाब ये मेरे पास वापस आया है, ठीक है। माशाल्लाह इस क्वालिटी देखें, जो फीजेंट की क्वालिटी को समझते हैं वो इसको देख के ही समझ जाएंगे कि इसकी लेंथ, इसकी हाइट, माशाल्लाह इसके कलर की शार्पनेस इसकी क्वालिटी को बखूबी बयान कर रही है। ये किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है माशाल्लाह क्वालिटी वाइज, और इसकी मैं तारीफ़ क्या करूँ, जो इस चीज़ को जानते हैं वो इसको देखते ही समझ जाएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और फीमेल ने फ्रेंड्स खुशी की खबर ये है कि आते ही एग भी ले कर दिया है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे भी इनमें बरकत फरमाए और आप सब फ्रेंड्स का शौक भी सलामत रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इसको ओपन छोड़ के बनाऊँगा कि जनाब ये जो 1-1.5 साल बाद वापस आया है अपने घर, तो अभी भी इसको याद है कि कैसे यहाँ पर फ्री फ्लाई फिरता था या नहीं याद। इसको खुला छोड़ कर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।